तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इस मूवी का नाम है द बीस्ट विद इन। ये मूवी एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का डायरेक्टर है अलेक्जेंडर जे फेरल, जो कि और भी कई सारी थ्रिलिंग मूवीज को ऑलरेडी डायरेक्ट कर चुके हैं। इस मूवी के लिए डायरेक्टर है किट हैरिंगटन, जो कि गेम ऑफ थ्रोन सीरीज के भी लिए डायरेक्टर रह चुके हैं। तो हो ना हो, ये मूवी अच्छी तो होने वाली है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक फुल मून के राइड से, जहाँ पर मार्टिना नाम की एक लेडी अपने हस्बैंड विलियम को फॉरेस्ट में ढूंढ रही थी। आसपास कई सारे एनिमल की आवाज़ें भी हमें सुनाई देती है और उन आवाज़ों का पीछा करते हुए मार्टिना एक गुफा तक आती है। पता नहीं वो यहाँ पर क्या ऐसा देखती है कि वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है, और अगले ही पल में एक भेड़िया यानी कि वेयरवुल्फ उसे जिंदा ही खा रहा था। अब यहाँ पर सीन कट होता है और कहानी कुछ साल आगे से शुरू होती है, जहाँ पर हम एक फैमिली को देखते हैं। उस फैमिली में थी रोज, रोज के पेरेंट नीना एडम और नीना के फादर जेम्स। ये फैमिली उस जंगल के बीच में लोगों से दूर एक बड़े से घर में रहती थी। वे लोग खुद फार्मिंग करते थे और अपनी चीज़ों को खुद मार्केट में बेचते थे। बात है रोज की, तो थोड़ी बीमार बच्ची थी। कभी कभी उसे सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ करना पड़ता था। अपनी फैमिली मेम्बर के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था, और ना ही उसकी फैमिली बाहर के किसी पर्सन के साथ में कोई रिश्ता रखती थी। साथ ही उनकी फैमिली में कुछ तो ऐसा राज जरूर था जिसे फैमिली मेम्बर रोज से छुपा रहे थे। जब भी फुल मून की नाइट यानी कि पूर्णिमा की रात होती थी, तो रोज के पेरेंट एक एनिमल को अपने साथ में लेकर जंगल के और अंदर चले जाते थे, और मून के निकलने से पहले उसकी माँ नीना उसके पिता को वहीं पर छोड़कर घर चली आती थी। उसी दिन रोज खुद को रोक नहीं पाती है और इस राज का पता लगाने के लिए वो अपने पेरेंट का पीछा करने लगती है। लेकिन आधे रास्ते में उसके ग्रैंडफादर जेम्स उसे देखकर उसे घर पर वापस लेकर आ जाते हैं, और फुल मून की रात को उसके घर से निकलने के लिए उसे मना कर दिया गया था, और ये रोज के सबसे बड़ा रूल था। रात होने से पहले नीना घर वापस आ गई थी, पर अब वो बहुत ही कमजोर लग रही थी और उसके हाथों में एडम के कपड़े थे। लेकिन डिनर के समय तक नीना खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंख में हम जख्म के निशान भी देख पाते हैं, जैसा कि उसे किसी ने बुरी तरीके से पीटा हो। ऊपर से उसके ग्रैंडफादर फुल मून की नाइट को बार बार दरवाजा ही चेक कर रहे थे, जैसा कि उन्हें किसी के अंदर आने का डर हो। अब रोज का कोई दोस्त तो था नहीं, तो इसलिए टाइम पास करने के लिए उसने अपने घर का एक मिनिएचर वर्जन बनाया हुआ था। साथ ही उसमें अपनी फैमिली मेम्बर के छोटे छोटे डॉल रखे थे। अपने पिता की डॉल को देखकर रोज बस एक ही बात सोचती थी कि उसके पिता आखिर जाते कहाँ हैं। उसी समय उसे अपने पिता एडम के रूम से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो जब एडम के रूम में जाती है तो वहाँ पर वो दर्द के मारे तड़प रहा था और उसकी हड्डियाँ टूट रही थी। रोज जब एडम को हाथ लगाती है तो वो उसके सामने एक भयानक रूप में आता है, पर ये बस रोज का एक सपना था जिससे कि वो बहुत ही डर जाती है। सुबह वो देखती है कि नीना एडम को वापस घर पर लेकर आई है, पर इस समय एडम बहुत ही कमज़ोर था। नीना और जेम्स उसे सहारा देकर उसे उतारते हैं और घर के अंदर लाते हैं। कुछ देर के बाद में घर के बाहर रोज नीना को एडम के खून लगे कपड़े धोते हुए दिखाई देती है। रोज समझ नहीं पा रही थी कि उसके पिता के साथ में क्या हो रहा है, इसीलिए रोज अपनी माँ नीना से पूछती है कि वो उससे क्या छुपा रही है और उसके पिता इस हालत में घर पर क्यों आते हैं। रोज के इन सवालों से नीना बहुत ही नर्वस फील कर रही थी, तो इसीलिए वो रोज के ऊपर गुस्सा करती है और उसे खेत के कामों को देखने का बोलती है। उसी रात को रोज अपने पेरेंट के रूम के बाहर छुपकर उनकी बातें सुन रही थी, जहाँ पर एडम अपने बिहेवियर को लेकर नीना से माफ़ी मांग रहा था। नीना भी उसे इन बातों को भूलकर रेस्ट करने को कह रही थी। फिर नीना जब रूम से बाहर जाती है तो रोज की होल से एडम को देखने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से एडम दूसरी तरफ से रोज को देख लेता है। डर के मारे रोज अपने रूम में आकर छुप जाती है और डोर के सामने कुछ सामान रख देती है ताकि कोई अंदर ना आ सके। अब अगले दिन नीना कुछ सामान को बेचने के लिए दूर के मार्केट में जाने वाली थी, और वो इस बार रोज को भी अपने साथ में ले जाती है। जाने से पहले रोज को उसके ग्रैंडफादर जेम्स उसे कुछ पैसे देते हैं चॉकलेट खरीदने के लिए। उनको इस तरीके से जाते हुए एडम भी ऊपर के रूम से देख रहा था और बहुत ही गुस्सा हो रहा था। उसके बाद दोनों पहाड़ों और जंगलों के बीच में बने हुए रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते हैं। इतने दिनों के बाद घर से निकलकर दोनों बहुत ही खुश थे। ऊपर से रोज तो पहली बार घर से बाहर आई थी। थोड़ी दूर जाने के बाद में नीना कार को रोकती है
और कार की सीट के नीचे से एक ड्रेस निकालती है। जब उस ड्रेस को पहन रही थी तो रोज उसकी बॉडी पर लगे जख्मों के निशान को देखती है, लेकिन वो उसे इस बारे में कुछ नहीं पूछती है। नीना ड्रेस पहनकर बहुत ही खुश थी, लेकिन वो रोज को इस ड्रेस के बारे में किसी को बताने से मना करती है। उसके बाद में नीना रोज को कार चलाना भी सिखाती है ताकि इमरजेंसी के समय पर रोज खुद कार चला पाए। कुछ देर के बाद में दोनों मार्केट तक आते हैं और वहाँ पर नीना रोज को एक ड्रेस गिफ्ट करती है क्योंकि जल्दी उसका बर्थडे आने वाला था। इतने दिनों के बाद में एक नई ड्रेस पाकर रोज बहुत ही खुश थी, लेकिन घर आते आते उनको रात हो जाती है और घर के बाहर एडम उनका वेट कर रहा था। उनको देखते ही एडम किसी डॉग की तरह बिहेव करने लगता है। वो उनको स्मेल करता है और उनके आगे पीछे भागता है। ऊपर से वो रोज की नई ड्रेस को देखकर बहुत ही ज़्यादा नाराज था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। लेकिन जब वे लोग घर के अंदर जा रहे थे तो एडम उनको पकड़ कर बोलता है कि मुझे छोड़कर जाने के बारे में कभी मत सोचना। फिर कुछ दिनों के बाद में फिर से फुल मून की नाइट आती है और इस बार भी नीना और एडम एक एनिमल को अपने साथ में लेकर जंगल की तरफ जाते हैं, लेकिन इस बार रोज छुपते छुपाते उनके पीछे जा रही थी। उसने इस बार ठान लिया था कि वो अपने पेरेंट के रास का पता जरूर लगाएगी। कुछ देर के बाद में नीना और एडम जंगल के बीच मौजूद एक गुफा तक आते हैं और उसके अंदर उस आदमी को लेकर जाते हैं। उस गुफा को एक घर की तरह बनाया गया था जिसमें बड़े बड़े लोहे के एक गेट लगे हुए थे। रोज उनकी सभी हरकतों के ऊपर नजर रख रही थी और वहां पर वो देखती है कि एक आदमी नेकेड एक जगह पर बैठा है और नीना एक चेन एडम के गले पर बांध देती है। एडम के पास में उस एनिमल को भी बांध कर रखा गया था और उसके बाद में नीना गुफा के डोर को लॉक करके वहां से दूर जाने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर रोज डोर के होल से गुफा के अंदर चली जाती है और सही समय पर नीना रोज को देख लेती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक वो रोज को गुफा के बाहर लाती है तब तक रोज एडम का असली रूप देख चुकी थी और ये देखकर रोज शॉक्ड में बेहोश हो जाती है। नीना रोज को घर वापस लाती है और ऑक्सीजन देती है। शॉक की वजह से रोज सांस नहीं ले पा रही थी और बहुत कोशिश करने के बाद किसी तरह रोज सांस लेने लगती है। असल में रोज ने अपने पिता एडम को ह्यूमन से भेड़े में बदलते हुए देख लिया था, जो बात उसके लिए बहुत ही शॉकिंग थी। तो इसीलिए फुल मून की नाइट को नीना एडम को उस गुफा में एक एनिमल के साथ में बांध कर आती है ताकि एडम अपनी फैमिली को हार्म नहीं कर सके और अगर उसे भूख लगे तो उस एनिमल को खा ले। इसी वजह से वे लोग एडम के बीच लोगों से दूर रहते हैं। वजह चाहे जो भी हो, रोज को एडम की सच्चाई से बहुत बड़ा शॉक लगता है। अब अगली सुबह नीना एडम को घर पर वापस लाती है। वो घर के माहौल को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी और अब रोज अपने पिता के पास में बैठने से भी डर रही थी। उसके ग्रैंडफादर जेम्स उससे जितना हो सके कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। एडम से डर के मारे रोज जेम्स के घर पर रुकती है जो उनके घर के पास में ही था, लेकिन कुछ ही देर के बाद में उसके पेरेंट उसे लेने के लिए वहां पर आ जाते हैं। जेम्स अपनी बेटी नीना को समझाता है कि रोज को नए माहौल की जरूरत है, उसे थोड़ा फ्री टाइम चाहिए और उसके कोई दोस्त भी नहीं है, लेकिन नीना और एडम जेम्स की एक बात नहीं सुनते हैं और उसी के साथ में झगड़ा करने लगते हैं। गुस्से में रोज खुद ही अपने पेरेंट के साथ में चली आती है। अब वो अपने पेरेंट से इतना गुस्सा थी कि अपनी माँ नीना की दी हुई ड्रेस को फाड़ देती है और रात को भी वो डर के मारे सो नहीं पाती है। उसी रात को रोज के रूम के डोर को कोई खोलने की कोशिश करता है। डर के मारे रोज एक कोने में जाकर छुप जाती है, पर वो देखती है कि ये उसके ग्रैंडफादर जेम्स हैं जो कि उसे लेने के लिए आए हैं। जेम्स उसे कुछ जरूरी सामान लेने को बोलते हैं, दूर किसी नए चेकअप पर ले जाने वाले थे। रोज भी जेम्स के साथ में घर छोड़कर निकल जाती है, लेकिन आधे रास्ते में ही रोज के पेरेंट उनकी कार को रोक लेते हैं। नीना जेम्स को कार से बाहर निकालती है और रोज को भगाने के लिए उससे झगड़ा करने लगती है। जेम्स उसे समझाता है कि रोज को एक नॉर्मल लाइफ देनी चाहिए, उसका तो कोई दोस्त भी नहीं है, ऊपर से वो एडम से बहुत ही डरती है, इस तरह कोई कैसे जिएगा। लेकिन वे लोग जेम्स की बात समझना ही नहीं चाहते थे। ऊपर से एडम और जेम्स के बीच में मारपीट तक होने लगती है क्योंकि एडम रोज के ऊपर चिल्ला रहा था। रोज तो अपने पेरेंट के साथ में घर पर वापस जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन वे लोग उसे ज़बरदस्ती घर पर लेकर जाते हैं। जाने से पहले नीना अपने पिता जेम्स को उसकी फैमिली से दूर रहने को बोलती है, साथ ही वो जेम्स को उनका घर छोड़कर चले जाने को भी कहती है। अब घर आने के बाद में बहुत दिनों तक रोज दुखी रहती है और अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं करती है। एक दिन उसके पिता एडम उसके पास में आते हैं और उसे अपने साथ जंगल की उसी गुफा में ले जाते हैं। रोज अपने पिता से डरी हुई थी और ये बात एडम समझ चुका था।
तो इसीलिए वो रोज से कहता है कि उसे अपने सारे सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे। जिसके बाद में एडम उसे कहता है कि उसके ग्रैंडफादर विलियम एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनकी पर्सनालिटी और उनका फिजिक भी बहुत ही स्ट्रांग था, बिल्कुल उसी की तरह। और वो उसकी ग्रैंड मदर मार्टिना से बहुत ही प्यार करते थे, ठीक उतना जितना लीना से करता है। लेकिन जब भी फुल मून की नाइट होती थी तो वो ह्यूमन में बदल कर एक भेड़िया में बन जाता था। अपनी फैमिली और वाइफ को खुद से बचाने के लिए फुल मून की नाइट को वो भी इसी गुफा में खुद को बांध कर रखता था। उनके भेड़े होने की बात उनकी वाइफ मार्टिना को नहीं पता थी, लेकिन एक दिन वो उनका पीछा करने लगती है और वहाँ पर मार्टिना ने विलियम को ह्यूमन से भेड़े में चेंज होते हुए देख लिया था। विलियम तो खुद के होश में ही नहीं था, वो मार्टिना को पास में देखकर उसने उसके ऊपर हमला कर दिया था। जब सुबह होती है तो विलियम अपने असली रूप में आ जाता है और तब जाकर उसे पता चलता है कि उसने भेड़िया बनकर मार्टिना को मार दिया है, जिसके बाद में विलियम ने खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर ली थी। मतलब कि मूवी के पहले सीन में हमने जिनको देखा था वो एडम के ग्रैंड फादर मार्टिना और विलियम थे। तो अब उनकी मौत के कुछ सालों के बाद में एडम में भी अपने ग्रैंड फादर की तरह चेंजेस आने लगते हैं और वो भी फुल मून की नाइट को एक भेड़े में बदल जाता है। इसी बात को लेकर उसके पिता एडम से नफरत करते थे। एडम ने अपने ग्रैंडफादर विलियम का ही रास्ता चुना था। वो जब भी वो भेड़िया बनने वाला होता था तो वो इस गुफा में खुद को बंद कर लेता था। उसे दुख बस इसी बात का था कि अनजाने में वो नीना को बहुत तकलीफ दे रहा था। वो उसके लिए सिर्फ एक जानवर है और एक मॉन्स्टर है, लेकिन वो उनके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकता है। ये सब बात कहकर एडम इमोशनल हो रहा था और रोज़ को अपने पिता के लिए बहुत ही बुरा फील होता है और वो उन्हें हक करके इमोशनली सपोर्ट करती है। अभी इसके बाद से एडम अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करता है, नीना और रोज़ को खुश रखने की कोशिश करता है। वो रोज़ भी अपने पिता के साथ में जंगल में घूमती है, उनके काम में उनको कंपनी देती है और कभी कभी एडम गुस्सा करता है, लेकिन रोज़ उस गुस्से को जितना हो सके इग्नोर करने की कोशिश करती है क्योंकि एडम कुछ ही समय में ठीक हो जाता था। अब सब कुछ उनकी फैमिली में बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन एडम को अपनी कार की सीट के नीचे से नीना की ड्रेस मिलती है जो कि नीना ने वहाँ पर छुपाई थी। इस ड्रेस को देखकर एडम इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो रोज़ का खाना फेंक देता है और उसे कार में ज़बरदस्ती बैठाकर उसे घर लेकर जाता है। घर आने के बाद में एडम बेडरूम में नीना को बंद करके मारना पीटना लगता है और उसे गालियाँ देता है। क्योंकि नीना को लड़कियों की ड्रेस पहनना अलाउड नहीं था और ना ही उसे सजना सवरना अलाउड था, इसलिए नीना हमेशा लड़कों के कपड़े पहनती थी और ड्रेस भी उसने घर से दूर छुपकर पहनी थी। इसी वजह से एडम रोज़ की ड्रेस को देखकर गुस्सा हुआ था। अब अगले दिन फुल मून की नाइट थी तो इसलिए नीना एडम को एक एनिमल के साथ में उस गुफा में बंद करके आती है। उस रात को सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर कुछ दिन के बाद में रोज़ का बर्थडे आता है और उसे वही ड्रेस अपने रूम में दिखाई देती है जो कि नीना ने उसे गिफ्ट की थी, पर उसने गुस्से में आकर उस ड्रेस को फाड़ दिया था। लेकिन नीना ने उस ड्रेस को बहुत अच्छे से सिलकर ठीक कर दिया था। रोज़ उस ड्रेस को पहनकर अपने पेरेंट के पास में आती है जहाँ पर वे लोग उसे एक छोटे से कार गिफ्ट करते हैं। ये कार बिल्कुल उनकी कार की तरह एक मिनीचर वर्जन था, पर यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा था कि एडम रोज़ को ड्रेस में देखकर खुश नहीं था। उसी समय उसके ग्रैंडफादर जेम्स भी वहाँ पर आते हैं और उसे एक डॉग गिफ्ट करते हैं। रोज़ को उनका गिफ्ट बहुत ही पसंद आता है और इतने दिनों के बाद में अपने ग्रैंडफादर को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। जिसके बाद में एडम और रोज़ उस डॉग के साथ में खेलने लगते हैं, लेकिन नीना को तो ये टेंशन थी कि उसके पिता कब यहाँ से वापस जाएंगे। उससे ये डर था कि कहीं उसके पिता फिर से रोज़ को अपने साथ न ले जाएं। हमेशा की तरह वे लोग अपने घर में सोते हैं और जेम्स बाहर आउटहाउस में। उस रात रोज़ अपनी माँ नीना से पूछती है कि क्या वे सेफ है, क्योंकि रोज़ अभी भी अपने पिता से अनसेफ फील करती थी। नीना का तो ऐसा कहना था कि कुछ भी खतरा हो वो उसे कुछ नहीं होने देगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी एडम से डरी हुई थी। अब अगले दिन जब रोज़ जिस तरह अपने मिनिएचर हाउस में प्ले कर रही थी, रियल लाइफ में भी उसी तरह के इंसिडेंट हो रहे थे जहाँ पर रोज़ ने अपने पेरेंट के डॉल को उस गुफा में रखा हुआ था। वो रियल लाइफ में भी उसके पेरेंट उस गुफा में मौजूद थे। फिर रात को ऐसा फील होता है कि उसके फादर एडम उसे मेन डोर खोलने को बोल रहे हैं, जिसके बाद में वो जब मिनिएचर हाउस के मेन डोर को टच करती है तो उसमें से एक लकड़ी उसके नेल में घुस जाती है और उसका नेल टूटकर निकल जाता है, जिसके बाद में वो भी अपने पिता की तरह भेड़े में बदल जाती है। पर ये बस रोज़ का एक सपना था, लेकिन इसी भयानक सपने की वजह से रोज़ सांस नहीं ले पा रही थी और तड़पने लगती है। वो बहुत कोशिश करती है ऑक्सीजन सिलेंडर तक पहुँचने की, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है और बेड से नीचे गिर जाती है।
किसी तरह वो सिलेंडर तक पहुंचकर ऑक्सीजन मास्क लगा लेती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस सिलेंडर में ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं बची थी। जिसके बाद वो पानी पीने जाती है कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। बाहर आके देखने पर मेन डोर जोर जोर से हिल रहा था और उस डोर खोलने ही वाली थी, पर सही समय पर जेम्स आकर उसे रोक लेता है, क्योंकि उस दिन फुल मून की नाइट थी और एडम गुफा से आज़ाद होकर उनके घर तक आ चुका था। जेम्स रोज को घर के अंदर लाकर घर के सभी डोर लॉक कर देता है और रोज को समझाकर सुलाता है। जिसके बाद में नीना जेम्स से गन लेती है, क्योंकि अगर एडम और रोज के लिए खतरा बनेगा तो वो उसे मार डालेगी। रोज रूम के बाहर से उनकी सारी बातें सुन रही थी और इन बातों से टेंशन में आकर रोज को फिर से सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसके बाद में वो बेहोश हो जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर उससे हेल्प करने के लिए जेम्स और नीना उसके पास में आते हैं, लेकिन सिलेंडर में ऑक्सीजन था ही नहीं। और तब जेम्स रोज के पास पर रुकता है और नीना अकेले ही ऑटो से ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाती है, लेकिन वापस आते समय वो गलती से गिर जाती है और गन भी वहीं पर गिर जाती है, जिसका नीना को कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ पर एडम मेन डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और तब नीना दूसरी तरफ से उसे समझा रही थी कि वापस चला जाए, जिसके बाद में वो घर के अंदर आकर रोज को ऑक्सीजन देती है और बहुत कोशिश करने के बाद में रोज सांस ले पाती है। लेकिन उस समय एडम मेन डोर को तोड़कर घर के फ्रंट यार्ड में आ चुका था और अब जब उनके पास में गन नहीं था तो जेम्स नीना से रोज को लेकर कहीं पर छुपने को बोलता है और अकेले ही वो गन को ढूंढने लग जाता है। लेकिन जब जेम्स घर के मेन डोर के पास में जाता है तो एडम इतने फोर्स से डोर को धक्का देता है कि वो वॉल पर लगे हिरण के सिंह के ऊपर ही गिर जाता है और हिरण का सिंह जेम्स की बॉडी के आर पार हो जाता है। लेकिन जेम्स मरता नहीं है, वो बस तड़प रहा था। फिर इसके बाद एडम पूरे घर में नीना और रोज को ढूंढ रहा था, जबकि दोनों एक अलमारी में छुपे हुए थे, लेकिन एडम को रोज का डॉग मिल जाता है जिसे वो जान से मार डालता है। और उस समय एडम उस अलमारी के पास में था। डर के मारे नीना और रोज का मुंह अपने हाथ से इतने जोर से बंद करती है कि वो तो मरने वाली थी, लेकिन सही समय पर एडम वहां से चला जाता है और नीना अपने हाथ को हटा लेती है। फिर सही मौका देखकर नीना रोज को लेकर रूम से बाहर आती है। जेम्स बाहर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। पहले तो नीना रोज को कार में बिठाती है और उसे समझाती है कि अगर वो 5 मिनट में वापस नहीं आई तो उसे खुद कार चलानी होगी, वो कार को तब तक नहीं रोकेगी जब तक कि सूरज नहीं निकल जाता। फिर इसके बाद में नीना घर के अंदर जाकर जेम्स को कार तक लाने वाली थी, लेकिन एडम को देखकर दोनों बेसमेंट में छुप जाते हैं। एडम बहुत ही गुस्से में था और वो घर की चीज़ें तोड़ रहा था और उसी समय पर नीना का हाथ एक माउस ट्रैप में फंस जाता है और जब वो दर्द से चिल्लाती है तब एडम बेसमेंट की तरफ आकर बेसमेंट को तोड़ने लगता है। नीना और जेम्स दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक आयरन गेट था जो कि खुली नहीं रहा था और तब रोज एक हुक को उस गेट में फंसा देती है और कार को आगे चलाकर उस गेट को तोड़ देती है। उसके बाद तीनों कार में बैठ जाते हैं, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। ऊपर से एडम उसकी तरफ आने वाला था, लेकिन जेम्स दोनों को जंगल की तरफ भागने को बोलता है और बाहर के मेन डोर को बंद कर देता है। फिर वो अकेले ही एडम से लड़ने जाता है, लेकिन एडम एक ही झटके में उसे मार डालता है और अपनी बेटी और नाते के लिए जेम्स ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इधर नीना और रोज जंगल में भाग रही थी, लेकिन रोज ज़्यादा समय भाग नहीं पाती है, उसके सांसें फूलने लगती है। नीना रोज को ऑक्सीजन देती है, वो दोनों धीरे धीरे चलकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अचानक से एडम रोज को उठाकर अपने साथ गुफा में ले जाता है। नीना उसका पीछा करती है और उसे समझाती है कि वो उनकी बेटी है, वो उसे छोड़ दें। नीना धीरे धीरे उसे समझाकर उसके पास में जाती है, तब एडम रोज को छोड़ देता है। वो बोलते हैं कि वो उसे पहचाने, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक जानवर के अंदर कहीं ना कहीं एडम का दिल था, तो इसलिए वो नीना के प्यार को समझ जाता है और उसे गले लगा लेता है, जैसे वो नॉर्मल समय में उसे गले लगाता था। उससे वो सभी समय याद आता है जो उसने अपनी फैमिली के साथ में बिताया था। पर जब नीना उसे कहती है कि जब तुम गुस्सा नहीं करते हो तो मुझे अच्छे लगते हो, तब एडम को फिर से गुस्सा आता है, क्योंकि पास्ट में भी एडम ने इसी बात को लेकर नीना को मारा पीटा था। अब इस बार भी एडम नीना को मारने लगता है और अपनी माँ को इस हालत में रोज नहीं देख पाती हैं और उसे बचाने के लिए वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर की गैस को लीक करके उसमें आग लगा देती है और उस आग को एडम की तरफ पॉइंट कर देती है, जिसके बाद में एडम उस आग की वजह से जिंदा ही जलने लगता है और वहीं पर तड़प तड़प कर मारा जाता है। सीन कट होता है और अब कहानी कुछ दिनों के बाद से शुरू होती है, जहाँ पर रोज एक वेयरवुल्फ की नॉवल पढ़ रही थी।
और पूरी कहानी खत्म करके वो अपनी माँ के पास आती है जो घर का जरूरी सामान कार में रख रही थी, क्योंकि वे लोग इस जगह को छोड़कर लोगों के बीच सिटी में रहने जाएंगे और एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे। दोनों बाकी लड़कियों की तरह सजती संवरती थी और ड्रेसेस भी पहनती थी। उन्हें रोकने के लिए कोई भी नहीं था तो इसलिए दोनों बहुत ही खुश थी। उसी समय पर रोज अपने पिता को याद करती है और यहीं पर मूवी का असली राज सबके सामने आता है। असल में एडम कोई भेड़िया था ही नहीं, वो एक अब्यूजिव हस्बैंड और एक अब्यूजिव फादर था जो कि बिना बात के रोज पर गुस्सा करता था और रीना को बुरी तरीके से मारता पीटता था। वो दोनों को फ्रीडम तक नहीं देता था। वो दोनों अपनी मर्जी से कपड़े तक नहीं पहन सकते थे, ना ही मेकअप कर सकते थे और वो उन्हें सोसाइटी से दूर जंगल में रखता था। बेसिकली दोनों ही उसके गुलाम थे, लेकिन कभी कभी वो दोनों के साथ में अच्छा बिहेव करता था। पर जब रीना उसे कहती थी कि वो जब अच्छा बिहेव करता है तो वो उसे पसंद आता है, तो इस बात पर एडम और भी गुस्सा होकर रीना को मारता पीटता था। और उसके मुताबिक वो चाहे कैसा भी बिहेव करे, रीना को हमेशा उसे प्यार करना होगा। यहाँ पर रोज अपने चाइल्डहुड से इतने खराब माहौल में बड़ी हुई थी, ऊपर से उसका कोई दोस्त भी नहीं था और लोगों से वो बहुत ही दूर थी। तब उसने वेयरवुल्फ की नॉवल की स्टोरी को रियल लाइफ में इमेजिन करना शुरू कर दिया और अपने मिनिएचर हाउस में वो ने इंसिडेंट को प्ले करती थी। उस रात भी कोई भी भीड़ा नहीं था, उसके पिता उसकी माँ को मार रहे थे और तब रोज ने उनको जलाकर मार दिया। यहाँ पर नीना के पिता जेम्स उनके साथ में रहते थे तो इसलिए एडम नीना को उस गुफा में ले जाकर मारता पीटता था और वहीं पर वो अपना गुस्सा निकालता था। और तभी जब भी नीना गुफा से वापस घर पर आती थी तो उसकी बॉडी में जख्मों के निशान होते थे। अगर भेड़िया उसे मारता तो कब की मारी जाती। एडम की तरह उसके ग्रैंडफादर विलियम भी एक अब्यूजिव हस्बैंड थे और एक दिन उन्होंने अपनी वाइफ मार्टिना की जान ले ली। एडम उनके बिहेवियर को देखकर ही ऐसा बन गया और इसीलिए एडम बोलता था कि वो एक जानवर है। इसी कारण से एडम के पिता उसे नफरत करते थे। अगर एडम और विलियम सच में भेड़िए होते तो सेम ब्लडलाइन के हिसाब से रोज और एडम के पिता को भी भेड़िया होना चाहिए था। और रोज को जितने भी सपने आते थे और उन एनिमल को गुफा में ले जाना, वो सब रोज का एक इमेजिनेशन था उस वेयरवुल्फ के नॉवल को पढ़ने के बाद में। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पर इस मूवी को अपलोड कर दूंगा। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।